जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी आँखों में चुंबकीय ताकत पैदा हो जाए, चेहरे पे चमक पैदा हो जाए, वो किसी से भी बात करें तो वो उसके वश में हो जाए, उनका कहना मान ले, उनके लिए नर्म हो जाए। तो उनके लिए जो ये अमल मैं लेकर आया हूँ, बड़े काम का बड़ा ही आसान और बड़ा ही कामयाब अमल है साथियों। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक, बात करते हैं इस बेहतरीन अमल के बारे में डिटेल के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, लोगों को वश में करने के लिए अपने आँखों में चुंबकीय ताकत और चेहरे पे चमक पैदा करने के लिए, ये वो चमक नहीं कि आपकी खूबसूरती बढ़ेगी, आप काले हैं तो गोरे हो जाएंगे, नहीं, बल्कि ये ऐसी चमक होगी, ये ऐसी चुंबकीय ताकत होगी कि जिसके ज़रिए आप किसी से भी बात करेंगे वो आपकी तरफ आकर्षित होगा, आपके लिए नर्म हो जाएगा, उसके दिल में आपका रौब व दबदबा बैठ जाएगा, चाहे वो पहली ही नज़र क्यों ना हो। इस काम के लिए ये अमल बहुत ही बेहतरीन है। इस अमल की एक बहुत ही छोटी सी शर्त है, वो ये है कि आप जब इस अमल के आमिल हो जाएं, तो लोगों के प्रति वफादार रहें, यानी किसी को जब आप मुसख़र कर लें, किसी के ऊपर आपकी चुंबकीय ताकत असर कर जाए, वो आपके लिए नर्म हो जाए, आपका रौब व दबदबा उसके दिल में बैठ जाए, तो आप उसका कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, ना ही तो उसको किसी तरह की तकलीफ़ आप पहुंचाएं। बस आप अपना जायज़ काम निकालने के लिए, अपना जायज़ काम करने के लिए आप इस तरह के अमल को करके बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो आइए ये अमल आपको बता दूं, इस अमल को करने का तरीका आपको बता दूं, उसके बाद में कुछ बातें आपके हवाले करना चाहूँगा। ये अमल है साथियों, इस्म या मुस्ततियों का, या मुस्ततियों, या मुस्ततियों, या मुस्ततकी, ये नाम आपने पढ़ना है बाद नमाज फजर, यानी सुबह सवेरे आपने सूरज निकलने के पहले सिर्फ़ और सिर्फ 300 मरतबा, 300 बार, ओनली 300 टाइम्स आपने या मुस्ततियों, या मुस्ततियों, या मुस्ततियों पढ़ना है, और शुरू में और आखिर में 33 मरतबा, 33 टाइम्स कोई भी दुरूद पाक पढ़ना है, और 300 मरतबा या मुस्ततियों, या मुस्ततियों पढ़ना है, और ये सिलसिला 40 दिनों तक जारी रखना है कि उसी वक्त उसी जगह पे आपने इस अमल को रोज़ाना पढ़ना है, 40 दिनों तक ऐसा ही करते रहना है, और इन 40 दिनों में साफ़ सफाई का बखूबी ख्याल रखें और परहेज़गारी का ख्याल रखें। परहेज़गारी से मतलब है कि कोई भी बुरा काम ना करें, झूठ ना बोलें वगैरह, तमाम चीज़ें अपने अंदर पैदा करें, आप अच्छे से परहेज़गारी के साथ रहें और 40 दिन साफ सफाई से रहें, 40 दिन उसी जगह पे, उसी वक्त पे इस अमल को रोज़ाना करते रहें। 40 दिन में ये अमल आपका पूरा हो जाएगा और आपकी आँखों में चुंबकीय ताकत और एक चेहरे पे अजीब सी चमक पैदा हो जाएगी। इस अमल के आमिल होने के बाद 40 दिनों के बाद आपने क्या करना है कि अपने जेब के हिसाब से जो भी रुपया, 10 रुपया, खाना, कपड़ा, किसी ज़रूरतमंद को सदका कर देना है, दान कर देना है अमल के पूरा होने के बाद, यानी चिल्ला मुकम्मल होने के बाद। अब आपने रोज़ाना सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले 100 मरतबा इसी नाम को पढ़ते रहना है, इसी नाम को पढ़ते रहना है, ताकि ये अमल बरकरार रहे, इसकी बरकतें आपको मिलती रहें। ये तो रहा साथियों अमल, और इस अमल के बारे में मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, वो ये है कि इस अमल को यूँ तो बड़ी ही आसानी के साथ किया जा सकता है, कोई भी इस अमल को कर सकता है, लेकिन अगर किसी का इंटेंशन गलत है, किसी की नियत गलत है,
कि इस अमल को करने के बाद वो फलां को नरम करके उसका उससे कोई सिग्नेचर करवा लेगा, उससे उसको कोई ख़राब माल बेच देगा। इस तरह का कोई भी काम अगर सोच के इस अमल को कोई करेगा तो उसको नाकामी मिलेगी, ये बात बताना आपको ज़रूरी समझते हैं। अगर अपना जायज़ काम निकालने के लिए, लोगों को अपने वश में करने के लिए, लोकप्रियता हासिल करने के लिए अगर आप इस अमल को कोई करने वाला करे तो उसके लिए कामयाबी है। और एक चिल्ला मुकम्मल करे, अच्छे से करे, उसी जगह पे उसी वक्त रोज़ाना पढ़े, साफ सफाई के साथ, परहेजगारी के साथ पढ़े, और जब अमल मुकम्मल हो जाए तो सदका करे। सदका करने के बाद एक तस्बीह यानी 100 मरतबा रोज़ाना इसको अपने विर्द में रखे ताकि इसका असर, ये अमल बरकरार रहे। जब आप लोगों को मुसख़र करेंगे, लोगों के दिल में आपका रौब व दबदबा पैदा होगा तो इस अमल की ताकत जो है आपकी खर्च होगी। तो जाहिर सी बात है, रोज़ाना आप पढ़ेंगे तो आपको एनर्जी मिलती रहेगी, रूहानियत आपको मिलती रहेगी, और रोज़ाना खर्च होता रहेगा, रोज़ाना मिलती रहेगी, तो इस तरह से बैलेंस बना रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया 40 दिन का चिल्ला, उसके बाद में विर्द में ना रखा तो अमल किसी काम का नहीं रहेगा। फिर इस तरह से आप अपने आँखों में चुंबकीय ताकत, चमक, चेहरे पे चमक, लोगों को वश में करने का, लोकप्रियता हासिल करने का अमल आमिल बन के आप जो है अपने तमाम काम निकाल सकते हैं और एक बेहतरीन मदद हासिल कर सकते हैं इस अमल के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। मौला तबारक व तआला से दुआ है कि अगर कोई जायज़ तमन्ना के लिए, जायज़ काम के लिए इस अमल को करे तो पीर व मुर्शिद हुजूर ताजी शरिया अलैहि रहमा के सदके तवस्सुल से उसको कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय, नुस्खे, अमल, तावीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।